अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़ियान और मैं उठ चुके हैं। मूसा आज अपनी दादू के पास हो रहा था। बस जल्दी से उठ के अब हम जा रहे हैं नीचे। बच्चों की आ रही हैं आज फूफो, तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं, तो ऊपर जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा काम शाम करना है, वो करते हैं जाके। मूसा ना नीचे देख रहा है कि ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, माँ बेटे मुझे लेके नहीं जा रहे। आवाज़ें लगा रहा है पीछे से हमें। मूसा को साथ ले जा नहीं सकते क्योंकि वो फिर टिकता नहीं, एक जगह बैठना नहीं है उसने, इधर से उधर भागना है। और मुझे करने हैं काम, तो ज़ियान को तो मैं मोबाइल लगा के दे दूँगी, वो कार्टून देखता रहेगा बैठ के। अब ये देखें हमारे ना कपड़े धुल के आए हुए हैं, अब इनको सब समेटना है, सारा काम शाम करना है। कम अज़ कम 1-2 घंटा लगेगा इस पूरे काम में। हमारे जो कपड़े धोने वाली आंटी है ना, वो ऊपर से कपड़े उतार के बस ऐसे ही सोफों पर फेंक के चली जाती हैं। और कुछ मैंने अपना ये सर्दियों का अपना सामान खोला हुआ था, तो इसको समेटना है। बाकी करते हैं सफाई, फिर दिखाते हैं आपको कि हमारी सफाई कैसी हुई है आज। बच्चों के साथ ना पूरा दिन नीचे निकल जाता है, ऊपर के लिए टाइम ही नहीं मिलता। सो आज टाइम निकाल के हमने किया है पूरा घर साफ। कभी कभी ना मेरे अंदर आता है ये सफाई वाला भूत, फिर ना मैं पूरे घर को एकदम क्लीन कर देती हूँ। और जो भी मेरे हाथ में एक्स्ट्रा सामान आता है ना, वो मैं सारा डस्टबिन में फेंक देती हूँ। अब वो काम का है या जो भी है, वो नीचे पड़ा हुआ है ना, बस वो डस्टबिन में जाता है सीधा। बाद में सारे लपते रहे अपना अपना सामान। मेरे घर से कितने सुन लिया ना, तो आज तो मेरी खैर नहीं। काम से फारिग होने के बाद फिर हमने बनाया अपने लिए खाना। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज वाली दाल कुकर के अंदर। मैं हर चीज़ ना प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, तो मुझसे ना पतीली वगैरह में नहीं बनती दाल, तो ना मुझे पता है कि क्या हिसाब होता है। और मुझे ये प्रेशर कुकर वाली दाल ही मज़े की लगती है। सो हमने दाल में जो है ना सिंपल डाले हैं लाल मिर्च और नमक, और ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर लहसुन। ये सारी चीज़ें डाल के हम लगा देंगे प्रेशर। इसका जो है ना ढक्कन बंद करने में ना बहुत मसला होता है, पूरी जान लगानी पड़ती है इसको बंद करने के लिए। सो अब ये लग गया हमारा प्रेशर। और हमने ना साथ में तड़के के लिए काट ली हैं चीज़ें, हरी मिर्च और लहसुन और ज़ीरा। साथ साथ आटा भी गूंदना है क्योंकि कुछ लोग खाएंगे रोटी और कुछ लोगों ने खाने हैं चावल, तो दोनों चीज़ें बनानी पड़ती हैं। और मुझे तो दाल चावल ही पसंद है, दाल के साथ ना मुझे रोटी में से की नहीं लगती। हाँ कभी कभी होता है दिल करता है कि दाल के साथ रोटी खाई जाए, बट मोस्टली जो है ना चावल ही अच्छा लगते हैं। और दाल बनने के बाद ज़ियान को मैंने पराठा दाल दे दिया था, तो ज़ियान बैठ के खा रहा है पराठा और दाल। बस सारे काम से फारिग हुए हैं, तो आ गई हैं ज़ियान की फूफो, और ये है ज़ियान की फूफो की बेटी मूसा। देखें कितना खुश है, ये दोनों बच्चे ना इतने पागल हुए हैं ना देख के अपनी फूफो को। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोगों को देख के घबराते हैं, बट जो मेरे बच्चे हैं ना, वो जितने ज़्यादा लोग हों ना उतने ज़्यादा खुश होते हैं। और ये वाली आदत जो है ना इनकी मेरे ऊपर गई है। हाँ, और ये चीता लेता है, देखना भी देखना, अभी वो भी लेगी ये भी लेगी, उससे छीन लेगा, छीन लेगा। अच्छा देखिए ऐसा तो ऐसा देखिए, ये लो सही भाई, ये लो अब ठहन देगा, ये सही भाई, ये लो, ये मेरा गुग्गा। ओए 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 बच्चों का तो ना बस यही है, साथ में खेलेंगे भी और लड़ेंगे भी। जान भी इसकी कोई चीज पकड़ लेना तो आगे से ये ऐसे गुस्सा करके दिखाता। सो फूफो 3-4 दिन तक यहीं हैं, तो अब आपको तीनों बच्चों की बहुत सारी शरारतें देखने को मिलेंगी। सो यहाँ हम कर देते हैं अपनी वीडियो एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपने सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।